फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, अभी भी डॉक्टर रामनाथ लोहिया मध्य यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकल के आई है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो नोटिस जो है, दो विषयों पे नोटिस आई है। तो नोटिस का विषय जो है वो है प्रोजेक्ट किए गए बैक पेपर परीक्षा 2020 की परीक्षाओं के संचालन अर्थ परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में अधिसूचना है। और दूसरा नोटिस जो है वो आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड नोटिस का जो विषय है उसका विषय है विश्वविद्यालय से समृद्ध महाविद्यालय के बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर, एमएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर 2020, बीपीएडी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर 2020, बीपीएडी 2018। और जो भी छात्र बीपीएडी 2018 के हैं और एमपीएडी सेकेंड ईयर 2019 के हैं, उन सभी छात्रों की जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म है वो दिनांक कितना से इतना तक भराए जाने के संबंध में अधिसूचना है। तो आज हम इस वीडियो में ये दोनों विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके आप सभी छात्रों को, और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने से वंचित ना रह सके। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि रामनाथ यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं विश्वविद्यालय से समृद्ध महाविद्यालय वाला, जो कि बीएससी एजी और एमएससी एजी बीपीएडी और एमपीएडी इन सभी कोर्सेज के हैं, उनके बारे में हम बता रहे थे। उसके बाद हम बताएंगे कि बैक पेपर के जो परीक्षा 2020 की परीक्षाओं के जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 22 हम पहले आपको इस पे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कुलपति महोदय के आदेशानुसार बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर 2020, एमएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर 2020, एमपीएडी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर 2020, बीपीएडी 2018 एग्जाम एंड बैक पेपर ओल्ड कोर्सेज, एमपीएडी सेकेंड ईयर 2019 एग्जाम एंड बैक पेपर ओल्ड कोर्सेज की परीक्षाएं अति शीघ्र संपन्न कराई जानी है। इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म दिनांक 3/1/2021 से 11/1/2021 तक भराया जाना है। यानी कि इन सभी कोर्सेज का जो है उनका परीक्षाएं जो है अति शीघ्र संपन्न कराई जानी है। इसके लिए जो है आप लोगों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है वो 3/1/2021 यानी कि आज से लेकर के 11/1/2021 तक भराया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अपने आवेदन फॉर्म को भर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़े। आगे बताया जा रहा है, तथा संबंधी महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि पूरित आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन दिनांक 13/1/2021 तक लॉगिन में उपलब्ध चलान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क दिनांक 14/1/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। तो इसी में आगे आपको बताया जा रहा है कि इसका जो आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन और या वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं होगा, उसका दिनांक दिया गया है 13/1/2021। यहाँ से जो ऑनलाइन सत्यापन या वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको इसको लॉगिन में उपलब्ध चालान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क जो है आपको 14/1/2021 तक जमा कर देना है। अति आवश्यक है कि 14/1/2021 तक जमा कराना है। परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के उपरांत शुल्क का लेख विभाग से सत्यापन कराकर कॉलेज लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज के लॉगिन में अपलोड कराना आपको सुनिश्चित है। सत्यापित परीक्षा शुल्क की रसीद कॉलेज लॉगिन में अपलोड ना किए जाने की स्थिति में जांच एवं प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। परीक्षा आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों के साथ परीक्षा विभाग में दिनांक जो है 15/1/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि पूरित परीक्षा आवेदन पत्रों का स्वयं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर ले ताकि नाम पिता के नाम में आहार्त संबंधित त्रुटि होने पर संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जैसा कि है यहाँ पे आप लोगों की जो भी परीक्षा आवेदन पत्रों की गलती हुई है तो उसे आप अच्छे से सुधार कर लीजिएगा ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जो है समस्त छात्र और महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये नोटिस को जो जारी किया गया है वो यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक है उनके द्वारा ये नोटिस को जारी कर दिया गया है। तो जल्दी से आप सभी छात्र अपने परीक्षा आवेदन पत्रों को फिलअप कर लीजिए। तो पहला नोटिस तो ये था, अब मैं दूसरे नोटिस की तरफ चलते हैं जो कि बैक पेपर छात्रों को लेकर के ये नोटिस है। तो यहाँ भी देखिए बताया जा रहा है ये जो नोटिस है वो 31/12/2020 का है, लेकिन इस साइट पे जो है आज ही अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि प्रोजेक्ट किया गया बैक पेपर परीक्षा 2020 की परीक्षाओं के संचालनार्थ कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित लिखित महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाता है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्र से संबद्ध महाविद्यालय का विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे जो है आप सभी के जो भी बैक पेपर परीक्षा 2020 की परीक्षाओं के संचालन में जो
कुलपति महोदय के आदेशानुसार महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र है वो निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी छात्रों के परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र से संबंध जो भी महाविद्यालय है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपका परीक्षा केंद्र है, नंबर 1 में साकेत स्नातक उत्तर महाविद्यालय जो कि अयोध्या में है, तो इससे संबंध जो भी महाविद्यालय है यहाँ पे देखिए उनका नाम दिया गया है। नंबर 2 में देखिए है राजा राम गर्ल्स PG कॉलेज अयोध्या, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है, उससे संबंध जो भी कॉलेज है यहाँ पे उन सभी का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से देखिए आपको सारे जो है टोटल 17 पेजेस में ये दिया गया है आपको, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सारा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जा करके आसानी से आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं खुद से कि आपका जो भी कॉलेज रहेगा आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी लोगों का अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए वो हमें कमेंट करें ताकि मैं उनको PDF का लिंक भेज सकूँ। तो मैंने दोनों नोटिस का जो है PDF का लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं इजिली से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।